जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज और आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आज का गुड लक। आज के गुड लक में हम आपको राशियों की जानकारी बताएंगे, साथ में देंगे गुड लक टिप और आज के महा उपाय में हम आपको बताएंगे कि आपको मानसिक तनाव कैसे दूर कर लिया जाए और घर के अंदर कभी कभी कुछ सामान इधर से उधर कर लें और तनाव दूर हो जाए। बिना देर लगाए शुरू करते हैं आपका ही अपना खास कार्यक्रम आज का। आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा योग है जो आपको ये बताता है कि आपके घर के अंदर वास्तु दोष है, या ये भी बता देता है कि आपके आने वाले समय में आपको कोई कष्ट बाधा आ सकती है। बिल्कुल कुंडली दिखाकर आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ में उसका निवारण भी पूछ सकते हैं। उसके लिए मगर अपनी डिटेल बतानी होगी और टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर ही हमसे बात करें, कॉल लगाएं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। 6 जून 2018 दिन बुधवार, आज शतभिषा नक्षत्र, आज सप्तमी तिथि, आज कृष्ण पक्ष चल रहा है और ये कृष्ण पक्ष चल रहा है ज्येष्ठ मास का, ज्येष्ठ मास मल मास का कृष्ण पक्ष, विषकुंभ योग है। आज चंद्रमा का भ्रमण कुंभ राशि में रहने वाला है, राहु काल का समय रहेगा 12 बजे से लेकर 1:30। बात कर लेते हैं गोचर में आपकी राशियों की और आज की मेष राशि क्या कहती है। आपकी मेष राशि कहती है कि आज आपको और आपके दोस्तों के बीच मधुर संबंध होने के योग दिखाई दे रहे हैं और खुशियों का वातावरण हो जाएगा। भूरा रंग और 5 का अंक आपके लिए कल्याणकारी। बात कर लेते हैं वृषभ राशि। आज आप अपने विरोधी आपके सामने खड़े हो सकते हैं, उनसे थोड़ा सा आपको बचना होगा। पति पत्नी में आपस में तालमेल बना रहेगा, ये अच्छी खबर है आपके लिए। शुभ रंग की बात करें, चमकीला रंग है आपके लिए 21। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। आज आपको थकान की वजह से थोड़ी सी अस्वस्थता महसूस हो सकती है, परेशान मत होइए, संध्या काल तक ही ठीक हो जाएगी। प्रेम संबंधों में ताजगी बनी रहेगी, मगर ये अच्छी बात है। बात करते हैं रंग की, तो हरा हल्का रंग आपके लिए शुभ है और 9 का अंक आपके लिए लकी रहेगा। अगली राशि की बात करते हैं कर्क राशि। आपकी योजनाओं में सफल होने का समय आ गया है। आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरी योजनाएं कब फलीभूत होंगी, निवेश में लाभ भी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग की बात करें, क्रीम और रंग आपके लिए 5। बात कर लेते हैं सिंह राशि। किसी गलत फहमी को हल करने का आप प्रयास करेंगे। बहुत दिन से आपके किसी मित्र के साथ, किसी परिवार के साथ, किसी और व्यक्ति के साथ कोई गलत फहमी है तो वो दूर हो जाएगी। पुरानी यादें भी ताजा करने से आपको उसका मजा मिलेगा, ये अच्छी बात है। बात कर लेते हैं रंग की, तो लाल रंग आपके लिए शुभ है और 42 का अंक लकी रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि की गोचर की स्थिति कहती है आपका कोई करीबी मित्र थोड़ा सा आपसे विश्वासघात या धोखा कर सकता है। जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय थोड़ा अलग साबित होगा आपके लिए, इसलिए ना लें तो अच्छा है। शुभ रंग की बात करें, हल्का हरा और रंग है आपके लिए 57। बहुत देर से हमारे कॉलर प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं आज के हमारे पहले मेहमान कौन है। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी राजेंद्र जी, डिटेल बताइए फिर प्रश्न करते हैं। आप बेटी के बारे में पूछ रहे जी। राजेंद्र जी, आप बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 13/11/1997। समय और बताएं। दोपहर के 3:20-4:20 बीकानेर राजस्थान। हेलो जी। कुछ जी, इसमें एडजस्टन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गुस्से है, पैसे भी बिल्कुल नहीं बनती है, हम क्या उपाय करें चाहिए सुधार हो जाए। देखिए बच्चे के लिए एक उपाय तो आपको बता देते हैं, चांदी के बर्तन लो, चांदी के बर्तन में इसको पात्र में भोजन कराओ, मोती भी पहना सकते हो आप, यहाँ पर मोती ले लो 1.25 रत्ती के आसपास का मोती धारण कराओ, वो इनकी बुद्धि को थोड़ा सा निर्मल और निश्चल बनाएगा। साथ में शंकर जी को यहाँ पर पंचामृत अवश्य दिलाया करो और ये बनाओ आप सोमवार से, इस पटेक के मिल जाए तो अति उत्तम। ऐसा करने से बच्चे की बुद्धि बहुत अच्छी होगी। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर हैं हमारे साथ।
पुष्पा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार जी। अपने दामाद के लिए पूछना चाह रही थी जी। बताइए। वो बाहर रहते हैं तो 7 नवंबर 1981। समय और स्थान बताइए। 11:55 रात्रि को। और जगह है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जी। क्या जानकारी चाहते हैं? जानकारी यही चाह रहे हैं गुरु जी की, मतलब उनकी वहाँ पे गए हैं, अमेरिका में हैं, लेकिन नौकरी लग लग छूट जा रही है। और कब तक मतलब इनको अच्छी जॉब और कब लगेगी और कहाँ लगेगी, मतलब वहाँ पे क्या उपाय करें क्या है? बिल्कुल आपको बताते हैं। कर्क लग्न की कुंडली देखने को मिली है। यहाँ पर आपको बताएं कि कुंडली के आधार पर जो आपने प्रश्न पूछा है उसमें अनंत कालसर्प योग है। एक बार इसका अनुष्ठान करा दीजिए घर के अंदर, प्रयास कीजिए उत्तर पूर्व में जहाँ पे ये रहते हैं, या तो वहाँ या यहाँ पर जहाँ इंडिया में जैसे इनका पैतृक घर हो वहाँ पे कालसर्प का यंत्र स्थापित कर दो। और ये करना होगा आपको शुक्ल पक्ष में, अभी तो नहीं कर सकते, 15 दिन बाद ही ये योग बनेगा। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर है हमारे साथ रचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी प्रणाम। कल्याण जी आपका। पंडित जी मुझे अपने नाती के बारे में पूछना है जी। उनकी डिटेल बताइए। हाँ, 27 मार्च 2011 और दोपहर के 2:51 और जन्म स्थान मेरठ जी। क्या जानकारी चाहते हैं? पंडित जी इस बच्चे का पिता से अलगाव हो चुका है, ये मेरे पास ही रहता है, तो आगे भविष्य में किधर इसका रुख करेंगे जो इसका भविष्य ये अच्छा इंसान बन जाए? देखिए दशम भाव के स्वामी की बात करेंगे तो सूर्य मंगल बुध और गुरु की युति यहाँ पर गुरु के घर में ही है। अब ये बता दें आपको कि कुंडली में महादशा जो जिस समय चल रही है वो महादशा बच्चे की कुंडली में चल रही है सूर्य की। इस समय ये हुआ होगा इनके 16 के आसपास से। अब आपने करना क्या है इसके लिए, या तो बच्चे से या बच्चे के नाम से तांबे की गर्वी से सूर्य नारायण को अक्षत रोली या लाल पुष्प डालकर जल दिलवाओ और अपने सिर के ऊपर से जल दिलवाओ और प्रयास करो उसके अंदर कुछ जल की बूंदें गिर गई हैं तो अपने मस्तिष्क पर या बच्चे के मस्तिष्क पर लगाओ, जो भी इसके नाम से करे। और एक काम अवश्य कर देना कि इसकी बुद्धि अच्छी रहे, इसको गणेश वंदना सिखाना प्रतिदिन किया करे। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर है हमारे साथ अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी गुरु जी चरण स्पर्श। कल्याण जी आपका। जी गुरु जी मैं अपने करियर को लेके बात करना चाहता हूँ आपसे। जन्मतिथि है 16 जुलाई 1978। 15 जुलाई 1978 जी। 16 जुलाई। 16 जुलाई जी जी। 16 जुलाई 1978। समय और बताइए। समय सुबह के 6 बजे औरंगाबाद महाराष्ट्र से। जी बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। आप जी गुरु जी मैं सीए के लिए कोशिश कर रहा हूँ काफी वर्षों से लेकिन हो नहीं पा रहा है। गुरु जी सही है या लाइन चेंज करें? देखिए जो आपकी कुंडली देखी है हमने उसके आधार पर तो ये बात स्पष्ट है कि आपका थोड़ा सा समय अभी इतना अनुकूल नहीं है। विशाखा नक्षत्र में दशमी में जन्म हो व्यक्ति का और कुंडली में अगर देखते हैं यहाँ पर कुंडली में शुक्र मंगल और शनि की युक्ति, सोर्स ऑफ इनकम दो करें क्या आप? पहला उपाय आपको बताते हैं, मंगलवार के दिन 125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम भुने हुए चने और एक फल, ये नियम बना लो कि आपने 27 मंगलवार तक गाय को देना है, उसके बाद स्वतः आपको रास्ता निकलेगा। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर हैं हमारे साथ। आप सभी को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है या किसी भी प्रकार की आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, किसी रोग से पीड़ित हैं या आपके घर में कोई वास्तु दोष है, अगर आपके पास अपनी डिटेल नहीं है तो खाली आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। निराश बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और दूसरी बात कि जब भी आप हमसे कॉल लगाएं तो प्रयास करें कि टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट पे करें, फोन के माध्यम से ही बात करें, उससे अच्छा रहेगा। अगले कॉलर है हमारे साथ मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम पंडित जी। कल्याण जी आपका। मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ पंडित जी। मेरा जन्म 18 अगस्त 1968 का है। 18 अगस्त 1968। दिन में 10:27। हेलो जी, कहाँ का जन्म है पंडित?
कहाँ का जन्म? वाराणसी का। जी क्या जानकारी चाहते हैं बताइए? पंडित जी हम जानना चाहते हैं कि मेरा अपना घर हो पाएगा कि नहीं, अगर होगा तो कब तक होगा, और जो बड़ा हमेशा चिड़चिड़ापन और जो है आगे का भविष्य जानना चाहते हैं कैसा रहेगा। चिड़चिड़ापन रहता है आपको, आपकी कुंडली देखकर बता देते हैं कि यहाँ पर आपको महा संखपाल जैसे काल सर्प योग होता है, इसमें एक और काल सर्प योग है आपकी कुंडली में, क्योंकि आपकी दशम भाव में भी कुछ देखने को मिल रहा है। शुक्र सूर्य बुध और गुरु आपकी कुंडली के एकादश भाव में हैं, अब महापदम काल सर्प योग से युति हुई है। अब करना क्या है आपने आने वाले समय में? आपने उपलब्धि तो प्राप्त करनी है, जिज्ञासा बहुत है, शनि की महादशा 27 तक। एक काम करो, अपने घर के पश्चिम की दिशा में यहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दो। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, किसी भी मंदिर के अंदर आपने घंटी प्रदान करनी है, और इस समय का जो हवा का मौसम चल रहा है, यानी कि गर्मी का मौसम चल रहा है जिसमें व्यक्ति को हवा की जरूरत होती है, पंखे का दान करो, पंखा लगवा दो, उससे आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आने वाला समय आपका अच्छा है, थोड़ा आपका यहाँ पे समय होगा 19 के बाद थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शनि के अंदर अंतर दिशा में सूर्य भी हैं तो वो भी निकल जाएंगे, तो उसके बाद आपको राहत मिलेगी। जय श्री कृष्ण। अभी ले लेते हैं यहाँ पर बहुत ही छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं वो महा उपाय और गुड लक टिप जिसके लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस बताते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आज का गुड लक। बात कर लेते हैं तुला राशि की। गोचर की स्थिति कहती है आज आर्थिक मामलों में आपको जरा सा हाथ तंग रहेगा, परेशान मत होइएगा, इसके लिए प्रेम संबंधों में सावधानी रखना आवश्यक है आपके लिए। शुभ रंग की बात करें, क्रीम और रंग है आपके लिए 16। बात करते हैं वृश्चिक राशि, मंगल की राशि है, आज नौकरी पेशा वाले जितने लोग हैं उनके लिए उत्साह का योग बना हुआ है, कहीं ना कहीं आपको अच्छी खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपका उतार चढ़ाव रहेगा। शुभ अंक की बात करें तो वो है आपके लिए 27। बात करते हैं गुरु की राशि यानी धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए आपके अधूरे रिश्ते फिर से शुरुआत हो सकते हैं, इसके साथ साथ तो नई उल्लास उमंग ये सभी आपके कार्य भी पूर्ण करेंगे। शुभ रंग की बात करें, पीला रंग है आपके लिए 23। बात कर लेते हैं अगली राशि, मकर राशि, शनि की राशि है, आज परिवार में बड़ों का स्नेह आपको अवश्य प्राप्त करना होगा, इससे आपको लाभ भी होगा आने वाले समय में। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा आपको, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। शुभ रंग की बात करें, नीला रंग है आपके लिए 8। बात कर लेते हैं अगली राशि, कुंभ राशि, खान पान का संतुलन बनाकर रखें, आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान देना होगा, आपको अपने घर से थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है तो खान पीन का ध्यान ही रखना होगा। शुभ रंग की बात करें, पर्पल और रंग है आपके लिए 8। बात कर लेते हैं आज की अंतिम राशि, मीन राशि, गोचर की स्थिति इनके कितने अनुकूल है, इस समय अध्ययन शोध आदि का मैं व्यस्त रह सकते हैं, थोड़ा अध्ययन करो शोध करो अच्छी बात है। नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का भी अवसर मिल सकता है, ये योग आपके बने हुए हैं, अच्छा अवसर है आपके पास। ऑरेंज रंग और 45 का अंक आपके लिए लकी है, लिख के रखो। चलिए देखते हैं अगले कॉलर कौन है हमारे साथ। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी प्रणाम। कल्याण जी आपका जी, मेरा जन्म 1992 का है और बाकी कुछ नहीं पता है, मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही हूँ, मुझे कोई सफलता है कि नहीं। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम बिल्कुल भी? जी नहीं, खाली इतना पता है 1992 है मेरा जन्म। कोई बात नहीं, आप सीधा प्रश्न करो, प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। जी मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही हूँ, कोई मेरे को इस कार्य में सफलता मिलेगी कि नहीं ये पूछना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आप सीधा प्रश्न करो, प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। जी मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही हूँ, कोई मेरे को इस कार्य में सफलता मिलेगी कि नहीं ये पूछना चाहती हूँ। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, किस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं? यही समीक्षा अधिकारी समूह गौर की भर्तियां ये जो है। बिल्कुल आपको बताते हैं, थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी होगी, अगर समझ प्रश्न कुंडली के आधार पर देखें तो यहाँ पर आपको 27% मेहनत और बढ़ानी होगी, उसके बाद आपको सफलता मिलने का योग है। उपाय बताते हैं आपको,
7 रुपए की हरी सब्जी गाय को खिला देना बुधवार के दिन, आज बुधवार खिला दो आज। चलिए अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी मेरा लकी नंबर क्या है बता सकते हैं क्या? बहुत अच्छी बात पूछी आपने, आज के लिए लकी नंबर अगर आपका बताएं तो प्रश्न कुंडली से नंबर आ गया आपका 5। भैया मगर इसको कहीं लगाना नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ध्यान रखना इस बात के लिए, क्योंकि नंबर ऊपर से कोई बदल दिया किसी ने तो गड़बड़ हो जाएगा। आज का लिए लकी नंबर आपके लिए है 5। मैं आज का दिन का है क्या? लाइफ टाइम के लिए लकी नंबर रहता है ना, वो कैसा रहता है मेरे को मालूम नहीं है। लाइफ टाइम के लिए पूछना चाहते हो, हम समझे आज के लिए पूछना चाहते हो। नहीं, लास्ट टाइम के लिए जैसा जो चेंज करते हैं ना, किसी का 5 रहता है, किसी का 6 रहता है। आज के लिए तो आपका 5 है, आज के लिए आपका 5 है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है आपके पास? है ना, तो बोलो फिर जल्दी से फटाफट बताओ। 23/4/1991। जी समय और बताओ, समय पता नहीं ना। अच्छा समय नहीं पता, चलो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता देते हैं, चंद्रमा देखते हैं आपका उस समय कहाँ था। देखो लकी नंबर हमने 5 ही बताया और ये 5 ही नंबर रहेगा आपका, लाइफ टाइम भी आपका नंबर ये 5 ही रहेगा, इसलिए ध्यान रखिए। हाँ क्योंकि आपका देखो हमने पहले बता दिया नंबर, अगर देखें तो वैसे भी 23 से 5 ही है, जय श्री कृष्ण। अगले रेणु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार पंडित जी, कल्याण जी आपका। मेरे को अपने पति के बारे में पूछना है, उनकी डिटेल है 29 फरवरी जी 1964 जी, शाम का 5 बजे लखनऊ। क्या जानकारी चाहते हैं इनके लिए? इनका ना अभी जैसे शनि की दशा लगी है ना जब से, तो इनका कुछ काम में कमी आ गई है, डॉक्टर हैं ये, तो इनके लिए कोई उपाय बताइए जिससे। देखिए 14 से 33 तक शनि की महादशा है, एक काम कीजिए, डॉक्टर हैं तो सबसे पहला काम करिए इनकी कुंडली के आधार पर शनि की महादशा और कुंडली के अंदर जब शनि कहीं आपका सूर्य और मंगल और बुध की युति के साथ बैठा हुआ हो तो क्या करना चाहिए, अपने घर के उत्तर की तरफ हरे रंग का पेंट, हरे रंग के पर्दे ये लगाकर रखने चाहिए। एक्वेरियम भी रखा सकते हैं हरे रंग का, उसमें कलर कर दीजिए, हरे रंग की लाइट जला के रखिएगा, ये बहुत फायदेमंद रहता है। और चिकित्सक के पद्धति पे अगर देखें तो यहाँ पर एक मरीज को एक मास में एक बार भी कर दो, मुफ्त कर दो, करके देखो इस उपाय को, कारोबार बढ़ता रहेगा, जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर है हमारे साथ मालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। शालिनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार, डिटेल बताइए। मेरी उम्र 73 साल की है जी। हाँ मेरे को स्वास्थ्य के लिए पूछना है, और कभी जिंदगी में मुझे ऐसा समाधान मिला ही नहीं, ऐसा क्यों बोलिए जी। जी मैं तो क्या प्रॉब्लम चल रही है आपको? ओ हमारा देवर है ना। आपकी समस्या इस समय क्या चल रही है? रोग में क्या प्रॉब्लम? ये तबियत अच्छी नहीं रहती, और मैं गिर गई, मेरे हाथ का भी प्रॉब्लम हो गया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आपको बताते हैं। देखिए आप कवच करना शुरू कर सकती है, अगर आप पढ़ाई कर सकते हैं तो कवच, या तो सुन सकते हैं तो कवच कीजिए, कोई भी दुर्गा कवच कीजिए, नारायण कवच कीजिए, कोई भी एक शिव चालीसा का पाठ कीजिए, ये कवच करने से आपका रोग स्वस्थ रहेगा। रुद्राक्ष की माला प्रयास कीजिए, रुद्राक्ष की माला आपको मिल जाए उस पे अंदर जाप कीजिए, कवच कीजिए, उसको धारण करके रखिए, उससे आपकी काया भी निरोगी रहेगी। सोते समय दक्षिण की तरफ सिर रखिए, सुबेरे कांटे वाले पेड़ में उस पानी रखिएगा पास सिर के पास, और कांटे वाले पेड़ में डाल दो, करके देखिए इस उपाय को, बिल्कुल आपकी काया निरोगी होगी, जय श्री कृष्ण। आशा जी से बात कर लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आशा जी आपका। जी गुरुजी प्रणाम। कल्याण जी आपका। 7 मई 1959 जी। समय बताओ। रात्रि के 2:50 प्रतापगढ़ यूपी। एम हो गया ये। हाँ
जी क्या जानकारी? गुरु जी इनका 2021 से गुरु की महादशा लगेगी, लेकिन गुरु मार्केस है जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये मार्केस की दशा कब से लेके कब तक रहेगी। जैसे 2021 से गुरु की महादशा लगेगी, लेकिन गुरु मार्केस है ऐसा इनकी कुंडली में लिखा हुआ है, तो ये मार्केस की दशा कब से लेके कब तक रहेगी। पहली चीज तो आपको बता दें कि आप इसके लिए भयभीत क्यों हैं इतना, हानि लाभ? गुरु की दशा जो मार्केस है गुरु जी, मार्केस का मतलब अस्पष्ट है। देखिए बात तो आपकी ठीक है, मगर आप इतने इस पे चिंतित मत होइए। अब आपको हम बताते हैं करना क्या है आपने। आपको जो भी दशाएं लगेगी इसमें, आप इसको देखकर उस समय के इंतजार मत कीजिए। आप अपना अनमोल समय खो रहे हैं। मान लीजिए आपका अप्रैल के बाद ये योग बना है और ये नवंबर तक आपको ऐसा योग दिखेगा, तो आप उसको देखकर डरते रहेंगे। किसी व्यक्ति को कहा जाए तुम्हारे सामने अभी मृत्यु आ रही है, तो वो डर ही जाएगा, वो जिएगा क्या? और मृत्यु तो सत्य है, ये पक्की बात है कि मृत्यु। और व्यक्ति आजकल जीता कितनी है उम्र है, 70-80, बहुत 70 भी बहुत अच्छा नहीं जीता, तो ये तो सत्य है। और उसको सोचकर अभी से डरना तो आप अपनी जीवन जिंदगी को अधूरा कर देते हैं। उपाय बताते हैं आपको बहुत सरल, जिससे अच्छी जिंदगी हर्षोल्लास के साथ जिएंगे। ईशान में पारद के शिवलिंग रखो और सोमवार के सोमवार बाबा पर पंचामृत चढ़ाओ। ये चढ़ा कर देखो, जब तक रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, निरोगी रहेंगे। ये उपाय बड़ा सटीक है, कर लो। और हो सके तो लगन से पंचम और पंचम से भाग्य स्थान, इसके रतन भी ट्रेंगल पहन सकते हैं गले में, पुख्य नक्षत्र में। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर है हमारे साथ, दीपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार पंडित जी, कल्याण जी आपका। अभी ये उनकी डिटेल बता रहे हैं हम, 29 फरवरी 1964 है जी, और शाम के 5 बजे लखनऊ का जन्म है इनका। इनका आपने बताया था कि शनि में बुध चल रहा है, तो मतलब कामकाज के लिए आपने बताया था हरी सब्जी का दान दो, शनि में बुध चल रहा है ना जी, तो वही डॉक्टर हैं ये, तो आपने उसका बताया था कि हरी सब्जी का दान दो। देखिए हरी सब्जी का दान इसलिए जरूरी है, 2020 तक 23 रुपए की हरी सब्जी लो, और कम से कम 23 रुपए 23 रुपीज ग्रीन वेजिटेबल गिफ्ट टू काउ, गाय को देते रहो, और 23 वेडनेसडे तक ही कंटिन्यूसली दो। इससे क्या होगा कि इनकी राशि को बल मिलेगा और काम में उन्नति मिलेगी, थोड़ी नजर दोष भी कम होगी, थोड़ी नजर दोष लगी हुई है इनको, इससे ठीक हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। अब बात करते हैं आज के महा उपाय की। आज के महा उपाय में हम आपको बताते हैं कि घर में टूटी फूटी मशीनें ना रखें। कोई भी टूटी हुई मशीन हो, कोई भी आपके घर में सामान हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको घर से बाहर कर दे, खंडित नहीं रखना चाहिए घर में। इससे क्या होता है खंडित रखने से, मानसिक तनाव शारीरिक व्याधियां बहुत ज्यादा परेशान करती रहती हैं, घेरती रहती हैं हर समय, और टाइम आपका ठहर जाता है, तो हटा देना, आज ही हटा देना। अब आज का गुड लक टिप, आज के गुड लक टिप में हम आपको बताते हैं, ईशान क्षेत्र यानी कि उत्तर पूर्व में कोई भी पालतू जानवर ना बांधें, जैसे कुत्ता, कभी कभी लोग मुर्गा भी रख लेते हैं, मुर्गा मुर्गी रख लेते हैं, भैंस गाय ये नहीं पालने चाहिए, इनसे सावधान रहे, अन्यथा परेशानियां आपको घेरे रहती हैं, उसका अंबार लगा रहता है, तो परेशानी दूर करो, हटा दो ईशान। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए महा उपाय और गुड लक टिप के साथ। आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, आप रहिए सुरक्षित। जय श्री कृष्ण।